बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शहद की मक्खी काट ले तो नमक और सिरका मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं, दर्द और सूजन कम हो जाएगी। अंडे उबालने के बाद ठंडे करके ना खाएं, वरना दमा का मर्ज लाहक हो सकता है। चुकंदर के पत्ते उबालकर सर धोने से सर की खुश्की दूर हो जाती है। एक चमचा शहद और आधा चमचा दालचीनी पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे डबल रोटी पर लगाकर रोजाना इस्तेमाल करें। इससे खून की शरियाने खुलेंगी और हार्ट अटैक से हिफाजत रहेगी। पेट के जुमला अमराज से निजात के लिए इस्पागोल का छिलका बिला नागा इस्तेमाल करें। पेट में बहुत ज्यादा गैस रहती हो तो मेथी के बीज खाओ। हिचकी रोकने के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बनाकर खाएं। दांतों की कमजोरी, दांतों से खून निकलने, नागवार बू आने या मसूड़ों के सूज जाने की सूरत में एक प्याली दही में निफ्स चाय का चमचा कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह निहार मुंह और रात सोने से कबल खा लें। आंखों के सिया हलके दूर करने के लिए अपने सीधे हाथ की उंगली को उल्टे हाथ की हथेली पर रगड़ें और गरम गरम उंगली आंखों के गिर्द फेरें। जब मुंह पक जाए और हलक वरम कर जाने से बोलना और गीजा का निकलना दुश्वार हो जाए तो एक तोला इस्पागोल के बीज आधा शेर पानी में हल्का जोश देकर इससे गरारा करने से एक दो दिन में ही सेहत हो जाती है।